जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ऐसे उपाय जिन्हें नवरात्रों में करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा अगर उन्हें पूरी श्रद्धा और प्रेम से किया जावे तो देवी माँ प्रसन्न होकर मनवांछित कामनाओं की सिद्धि करती है। तो आइए जान लेते हैं कि वह कौन से उपाय है जिन्हें नवरात्रों में किया जाए तो मन चाही मन्नत पूरी हो सकती है। वैसे तो ये उपाय कभी भी कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रों में करने से ज़्यादा फल मिलता है और जल्दी काम बनता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सकें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। मनोकामना पूर्ति के लिए नवरात्रों में 9 दिनों में से कभी भी देवी के मंदिर में लाल पताका जरूर चढ़ाएं। ऐसा आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और देवी माँ के मंदिर में भी कर सकते हैं। वही मन की कोई आस पूरी न हो पा रही हो तो नवरात्रों में पूरे 9 दिन 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुननी में रखकर देवी को भोग लगाएं और बाद में इस भोग का सेवन सिर्फ आप ही करें। किसी विशेष कार्य की पूर्ति के लिए नवरात्रों के पहले दिन से 9 दिन लगातार हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें पान का बीड़ा चढ़ाए। यह बीड़ा आप स्वयं बनाए। 9 दिन किए गए ये कार्य आप जिस भी इच्छा के साथ करेंगे वह पूरी जरूर होगी। वही अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कोई कुछ करा रखा है, टोटका वगैरह, तो आपको अखंड ज्योत जरूर जलानी चाहिए। ऐसा अगर न कर सके तो 9 दिन सुबह शाम देवी के सामने घी के दीपक में 4 लौंग डालकर जलाए, जरूर आराम होगा। धन प्राप्ति के लिए धन की इच्छा हो तो नवरात्रों में घर में सोने या चांदी की कोई भी शुभ सामग्री जैसे स्वातिक, ओम, श्री हाथी, कलश, दीपक, गरुड़, घंटी, पात्र, कमल, श्री अंतर, आचमनी, मुकट, त्रिशूल आदि खरीद ले और इसे देवी के चरणों में समर्पित कर दें और नवरात्र के अंतिम दिन उस सामग्री को गुलाबी कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। माना जाता है कि यह उपाय जीवन में कभी भी धन संबंधी समस्याएं नहीं आने देता और कभी भी धन की परेशानी नहीं रहती है। धन प्राप्ति के लिए नवरात्र के 9 दिनों में अगर नियमित रूप से 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा भेंट की जाए तो लाभ ही लाभ होता है। साथ ही इससे जीवन में सुख शांति का भी वास होता है। इसके अलावा देवी माँ से सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए माता रानी के 9 दिनों लगातार 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाए। इस भोग का सेवन खुद ही करना होता है। जो ये उपाय करता है उसी को ही करना होता है और माता रानी प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देती है। देवी लक्ष्मी बहुत चंचल होती है और उन्हें घर में टिकाए रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जो देवी को घर में सदा के लिए रोके रख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे लाख मेहनत और जतन करने के बाद भी घर में रुपये पैसे की किल्लत बनी रहती है। धन आता भी है तो रुकता नहीं है या धन कमाने के स्रोत पर ही कई बार ग्रहण सा लग जाता है। यदि आपके साथ भी कहीं ऐसा होता है, मेहनत की कमाई आते ही उड़ जाती है, तो आपको नवरात्रि में ऐसे उपाय बता रहे हैं देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुछ खास उपाय जिसको करने से आपको बहुत आराम मिलेगा और माँ लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होगी और कभी धन की कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। नवरात्रि में किसी भी दिन अपने घर में आप नागर केसर का पौधा जरूर लगाएं। ये पौधा है जो देवी लक्ष्मी को बहुत आकर्षित करता है। देवी इस पौधे के लगते ही आपके घर में आ जाएगी और आपको धन पाने के नए रास्ते मिलेंगे। यदि धन आते ही चला जाता है तो गुल्लर के 2 फल लेकर आए और देवी के चरणों में इसे रख कर फिर अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में लपेट कर रख दे, धन आने का जरिया भी बना रहेगा। यदि आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं तो आपको नवरात्रि की नवमी को लोहे के पात्र में जल भरें और इसमें चीनी, दूध और घी मिलाकर पीपल की जड़ में चढ़ाना चाहिए। इससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। नवरात्रि में पीपल के पेड़ पर सफ़ेद रंग की ध्वजा चढ़ाने से भी अचानक धन की प्राप्ति का योग बनता है। नवरात्रि के अष्टमी पर देवी दुर्गा को
कमल का फूल चढ़ाए और फिर इसे लाल वस्त्र में लपेट कर उनके चरणों में रख दे। इसके बाद इस पर सिंदूर लगाकर उसे अपनी तिजोरी में रख दे। धन की आपको कभी कमी नहीं होगी। नवरात्रि के मौके पर नौ कन्याओं को भोजन कराने और उन्हें श्रृंगार के साथ उपहार देने से भी धन की कमी दूर हो जाती है। यदि नौकरी चली गई है या नौकरी मिल नहीं रही है तो नवरात्रों में रोज़ पीपल के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाए। साथ ही शाम के समय देवी माँ के सामने घी का दीपक जलाए। ये उपाय करने से आपकी समस्या दूर हो जाएगी। घर में मौजूद नेगेटिव शक्तियों को दूर कर आप अपने धन संकट से बच सकते हैं। इसके लिए नवरात्रि में किसी भी दिन मुख्य द्वार पर नींबू और मिर्च टांग दे और जब ये सूखने लगे तो नया लगा दे। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि में उन्हें बूंदी के लड्डू चढ़ाना अच्छा माना जाता है। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। पीपल के पत्ते पर सिंदूर से श्री लिखे और देवी को चढ़ाकर बाद में अष्टमी के दिन अपनी तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से धन की बढ़ोतरी होगी और धन की कभी कमी नहीं होगी। नवरात्रि में किए गए ये उपाय करने से आपकी हर समस्या दूर होगी और धन संकट से मुक्त होंगे और आपकी माँ दुर्गा हर मनोकामना पूरी करेगी। किसी भी तरह का कष्ट हो, सभी कष्ट को माता अपने भक्तों के दुख दर्द दूर करती है। ये थे कुछ सरल से उपाय हमने आप सभी को बताया। इनको करने से माँ प्रसन्न होती है और माँ देवी दुर्गा लक्ष्मी सभी की कृपा बनी रहती है और कभी धन की कमी नहीं रहती और सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, जैसे पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति, विद्या, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, बिजनेस, हर तरह की समस्या से दूर कर्मा अपना आशीर्वाद सभी पे बनाए रखती है। इनमें से आप कोई भी उपाय कर सकते हो। श्रद्धा और प्रेम से करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। बोलिए जय शेरों वाली माता की, जय माता दी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और सभी के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें ताकि सभी को जानकारी मिले। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप व आप के परिवार सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी जानकारी आप सभी को पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।